हेलो साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी पिछली वीडियो देख रहे होंगे। फिर लेकर आया हूँ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें आज हल करने वाले हैं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखते हैं, तीन के प्रथम नौ गुणजों का औसत कितना है? तीन के प्रथम नौ गुणजों का औसत कितना है? तो कैसे निकालेंगे? तीन के अगर नौ गुणा देखेंगे तो तीन कॉमन ले लिया, एक दो तीन, कहाँ तक चलेंगे? नौ तक। कहाँ तक? नौ तक। तीन हमने कॉमन ले लिया, तीन के प्रथम नौ गुणा ये हो जाएंगे, तीन के ना तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन नौ 27 तक। इसी तरीके से देखें तो इनका अगर योग देखूं मैं तो तीन, इनका योग देखो तो एन एन प्लस वन बटे टू, एन कितना हो जाएगा? ये नौ, एन प्लस वन 10 बटे टू, दो पंजे 10, पांच नम 45, तो तीन गुणा 45। योग कितना आ गया? तीन के प्रथम नौ गुणजों का योग कितना आ गया? तीन गुणा 45। हमसे पूछ रहा है इनका औसत। औसत के लिए क्या करेंगे? जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग कर देते हैं। संख्याएं कितनी होंगी? प्रथम नौ गुणा बता रहा तो नौ संख्याएं, नौ से भाग, नौ पंजे 45, पांच तिया 15, औसत कितना आ गया? 15। ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं, अगर इसका शॉर्ट करें हम, और शॉर्ट करना चाहें तो ये कितनी हो रही है? तीन से अगर अंदर कर दूं तो तीन तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, डॉट डॉट डॉट, तीन नाम 27, यही तो संख्या होंगे। तीन के प्रथम नौ गुणा ये हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ देंगे, 27 और 3 30, और 30 को 2 से भाग, कितना आ जाएगा? 15। दोनों देखो, प्रथम संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15। औसत कितना आ गया? 15। शॉर्ट अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न है, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम विषम संख्याओं का औसत कितना है? देखो एक चीज देखते हैं, विषम संख्याएं कौन सी है? अगर शुरू में देखो तो एक, इसके बाद तीन, पांच, और कितना? पांच सात। अगर इनका योग देखें तो तीन और एक चार, चार पांच नौ, नौ और सात 16, कितना योग? 16। कहने का मतलब यह है, विषम संख्याएं अगर लगातार है, देखो एक दो तीन चार, कितनी संख्याएं? एक दो तीन चार, तो चार का वर्ग कर दो, चार का वर्ग बराबर 16, इनका योग आ जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं विषम संख्याएं, उनका योग करने से उनका वर्ग करने से उनका योग आ जाता है। तो क्या करेंगे? जितनी भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग कर देंगे। संख्याएं कितनी होंगी? 100 तक। 100 तक अगर संख्याएं देखें, 100 से कम, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 तक अगर विषम संख्याएं देखें तो कितनी होंगी? 50 होंगी। भाई 100 तक कितनी हो जाएंगी? 50। योग अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। कितना? 2500। इसका वर्ग कर देंगे तो 2500। हम क्या करेंगे? देखो औसत बूझ रहा, तो जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग करेंगे, कितनी संख्याएं? 50, 0 से 0, 5 पंजे 25, तो औसत कितना आ गया? 50। अगर शॉर्ट करना है और भी, औसत अगर पूछ रहे हैं विषम संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्याएं होंगी वही औसत होगा। 100 तक कितनी आ रही है विषम संख्याएं? 50, तो 50 ही औसत आ रहा है। कितना आ रहा? 50 ही औसत होता है। जितनी विषम संख्याएं होंगी वही उनका औसत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं सभी। शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, संख्याएं देखेंगे कितनी आ रही हैं, संख्याएं कितनी आ रही हैं 100 तक, 50, तो 50 ही औसत। अगर योग निकलवावे तो इसका वर्ग कर दो, 5 पंजे 2500। अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ गया होगा सभी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ? ए बी सी की औसत आयु, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5, 5:7 है। ए की आयु कितनी है?
ए बी सी तीन है, ए बी सी की औसत आयु 25, तो योग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 75, 25 तिया 75, गुणा कर देते हैं 25 तिया 75। हमसे क्या कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, देखो योग कितना आया 75, और अनुपात को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 5 75, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5। हमसे क्या पूछ रहा है, ए का ए की आयु कितनी है, तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 दिया 15, ए की 15, हमारी ए की जो वैल्यू आ गई, ए की आयु 15, बी की पूछता तो कितनी आ जाएगी 5 5 25, बी की 25, सी की 5 7 35, तीनों की निकाल सकते हैं, तो ए का कितनी आ रही है, ए की आयु 15, ऑप्शन डी निकाल सकते हैं सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या है, प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखो तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, या तो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, अभाज्य संख्याएं के दो गुणनखंड होंगे, एक और स्वयं से कटेगी, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 5 7 11, 5 कह रहा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। कुछ जने इसमें एक ऐड कर लेते हैं, अभाज्य संख्या सबसे छोटी एक को मान लेते हैं, लेकिन 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, कितना आ गया 28। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, संख्या को हमसे बता रखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 से भाग, औसत निकाल लो 5 से भाग, 5 5 25, कितना बचा 3 30 5 6 30, 5.6, कितना आंसर हो जाएगा 5.,  तो कितना हो जाएगा 5.6, ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे 5.6, तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा करेक्ट 5.6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या है, जब 5 संख्याएं थी तो औसत 18 है, अगर हम योग निकालेंगे यहाँ से, तो योग में क्या करते हैं, दोनों की गुणा कर देंगे, जितनी संख्याएं हैं और उनका औसत से गुणा कर देंगे, तो संख्याओं का योग आ जाता, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना 18, तो 18 5 90, योग कितना आ गया, योग 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 90, 18 5 90 आ गया। फिर क्या करें, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या का औसत 16 है, एक संख्या निकाल दी तो संख्याएं कितनी बची, 5 में से एक गई तो 4, कितना हो गया 4 की और 16 की गुणा कर देंगे, कितनी बची अब संख्याएं, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या का औसत 16, 16 चौका 64, कितना 64, एक संख्या निकालने पर योग, 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 64। तो हमसे पूछा है जो निकाली गई संख्या है वो क्या है, क्या करेंगे माइनस कर दो इसे, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, तो संख्या क्या आ गई 26, निकाली गई संख्या क्या थी 26 थी, ऑप्शन नंबर बी। सभी की समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा हो सभी तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं क्या है, एक बैलगाड़ी, मैं पढ़ता हूं देखो, एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 आवर 10 घंटे में तय करनी थी, यदि 3/5 समय में आधी दूरी तय कर ली हो तो शेष दूरी निश्चित समय में तय करने हेतु इसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखो दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, 10 घंटे में तय करनी थी, लेकिन 3/5 समय में आधी दूरी तय करी, कितनी, देखो कुल दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, आधी दूरी तय कर ली तो कितनी बची शेष दूरी 40 किलोमीटर, समय कितना बचा 3/5 समय उन्होंने ले लिया आधी दूरी में, तो कितना बचा 10 का 3/5 अगर निकालोगे समय कितना बचा
शेष समय कितना बचा, 10 में से 10 का कितना कर देंगे 3/5, 10 का 3/5, 5 दुनी 10, 2 तिया 6, कुल में से घटा देंगे कितना, 10 में से 6 घटा दो, समय कितना बचा शेष 4 घंटे और दूरी कितनी बची 40। तो समय अगर हम ऐसा चाल निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 40, समय कितना 4, 4 दाई 40, चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।